इनेलो की ट्रैक्टर यात्रा आज और इसी बीच अंबाला से ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत होगी। अभय चौटाला ट्रैक्टर पर सवार होंगे और ट्रैक्टर यात्रा से पहले अभय चौटाला का बयान सामने आया है। तो इनेलो नेता अभय चौटाला ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत के दौरान से ही ट्रैक्टर पर सवार होंगे और ट्रैक्टर यात्रा से पहले इनेलो नेता अभय चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा किसानों के हक और ये अधिकार की लड़ाई है। हजारों लोग ट्रैक्टर यात्रा से जुड़ेंगे और सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल होंगे। बड़ी और अहम खबर इस वक्त तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। इनेलो की ये ट्रैक्टर यात्रा है और अंबाला से ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत होगी। अभय चौटाला ट्रैक्टर पर सवार होंगे और सवार होकर सिंघू बॉर्डर की ओर कूच करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल होंगे। तो अभय चौटाला ट्रैक्टर पर सवार होकर सिंघू बॉर्डर की ओर रुख करेंगे और इससे पहले उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई है। हजारों लोग इनेलो कार्यकर्ता भी ट्रैक्टर यात्रा से जुड़ेंगे और सिंघू बॉर्डर की ओर कूच करेंगे। किसान आंदोलन में शामिल होंगे। पहले अंबाला से बेवा जाऊंगा, बेवा से फिर कैथल जाऊंगा, कैथल से फिर नरवाणा जाऊंगा, रात्रि विश्राम नरवाणा में करूंगा, नरवाणा से कल हजारों ट्रैक्टर साथ लेकर के उचाणा में जाऊंगा, उचाणा के बाद अपने जुलाना में जाऊंगा, जुलाना से बड़ौदा जाऊंगा और बड़ौदा से घुवाणा रात्रि स्टे करूंगा। उसमें भी वो संख्या ट्रैक्टर की बहुत बड़ी हो जाएगी और घुवाणा से अगले दिन 17 तारीख को सुबह 10 बजे वहां से चलूंगा और वहां से सीधा फिर गन्नौर होते हुए और सिंघू बॉर्डर जाकर के उन साथियों को जिनको साथ लेकर के जाऊंगा उनकी जिम्मेवारी लगाऊंगा कि अब आप इस आंदोलन में लगातार यहीं रह करके। तो इनेलो की ट्रैक्टर यात्रा आज से शुरू है। अंबाला से ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत होगी। इनेलो नेता अभय चौटाला ट्रैक्टर पर सवार होंगे और सिंघू बॉर्डर की ओर कूच करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में अभय चौटाला शामिल होंगे। ट्रैक्टर यात्रा से पहले अभय चौटाला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई है और हजारों लोग इनेलो कार्यकर्ता भी इस ट्रैक्टर यात्रा से जुड़ेंगे और सिंघू बॉर्डर की ओर कूच करेंगे क्योंकि हलधरों की हुंकार लगातार जारी है और इस हुंकार में तमाम विपक्षी नेता भी शामिल हो रहे हैं, किसानों को अपना समर्थन दे रहे हैं। और इसी बीच इनेलो की ट्रैक्टर यात्रा आज से शुरू है। अंबाला से ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत होगी और इनेलो नेता अभय चौटाला ट्रैक्टर पर सवार होंगे। ट्रैक्टर यात्रा से पहले अभय चौटाला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसानों के हक और अधिकार की ये लड़ाई है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते संवाददाता रवि कालीरमन की ओर। फोन लाइन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, इनेलो की ट्रैक्टर यात्रा आज से शुरू होने वाली है, क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, ये यात्रा है जो अंबाला से शुरू होगी और अंबाला के रस्ते अंबाला से होते हुए पेवा और नरवाना कैथल नरवाना उचाणा और जुलाना होते हुए ये यात्रा सिंघू बॉर्डर पहुंचेगी और इसके लिए जो है तमाम जो तैयारियां थी वो इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने जो कर रखी हैं। और चंडीगढ़ आवास से जो इनेलो नेता है अभय सिंह वो निकल चुके हैं और अंबाला जैसे ही पहुंचे उसे कुछ ही देर बाद ये यात्रा शुरू हो जाएगी। रवि, इस ट्रैक्टर यात्रा में क्या इनेलो कार्यकर्ता शामिल होंगे, क्या आम किसान आम आदमी भी शामिल होंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि अभय चौटाला ने बताया कि सैकड़ों की संख्या में जो ट्रैक्टर हैं वो मेरे साथ जो है सिंघू बॉर्डर जाएंगे और तमाम जितने भी एक ट्रैक्टर में करीब करीब 10 से 12 जो किसान और आम जो कार्यकर्ता है जो इनेलो पार्टी के वो भी शामिल होंगे और वहाँ जो बाहर से आए हुए किसान है, पंजाब से आए हुए किसान है और अन्य जो राज्यों से आए हुए किसान है उनकी सेवा करेंगे वहाँ जाकर। रवि, ये जो यात्रा है ये कई क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, जहाँ जहाँ से यात्रा होकर गुजरेगी क्या वहाँ पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं या ये कहें कि वहाँ अलग अलग रणनीतियों के तहत किसान एकत्र होंगे? जी देखिए, इसमें तमाम जो चीजें हैं वो निकल के सामने आ रही है कि अभय चौटाला जिन जिन जगह से ये यात्रा निकालेंगे वहाँ के किसानों को समझाते हुए और अपने साथ जोड़ते हुए आगे जाएंगे और सिंघू बॉर्डर पर जाकर धरना स्थल पे शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो इनेलो की ट्रैक्टर यात्रा आज से शुरू हो रही है और प्रदेश के कई क्षेत्रों से यात्रा गुजरेगी और जहां जहां से यात्रा गुजरेगी वहां अभय चौटाला किसानों को संबोधित करेंगे और किसानों का जत्था अपने साथ लेकर चलेंगे और ट्रैक्टर पर सवार होकर इनेलो कार्यकर्ता भी सिंघू बॉर्डर की ओर कूच करेंगे।